ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच एवं इंदरगंज पुलिस के संयुक्त अभियान में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा से स्मैक को लाकर यहां ड्रग पेडलर के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाता था। इसके कब्जे से 370 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 37 से 40 लाख रुपये बताई गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच और इंदरगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मोटे महादेव मंदिर के पास कुख्यात तस्कर अनीश खान यूपी से स्मैक की खेप लेकर पहुंचा है, जो अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और इंदरगंज पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। जैसे ही बताए गए हुलिये के आधार पर युवक को रोका गया तो सफ़ेद पॉलीथीन में रखी 370 ग्राम स्मैक मिली, उसे तत्काल दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी अनीश खान के खिलाफ NDPS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि अनीश खान मुरैन जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र में 300 ग्राम स्मैक के साथ पिछले साल पकड़ा गया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद वह छूट गया था और फिर तस्करी के कारोबार में जुट गया था। पुलिस उसके रैकेट के अन्य लोगों के बारे में पता लगा रही है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ग्वालियर में स्मैक का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। पिछले साल ही करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा की स्मैक बरामद की गई थी और 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। बावजूद इसके इस तरह के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोग अभी भी बड़ी संख्या में इस गोरख धंधे में जुटे हुए हैं और युवा पीढ़ी को नशे की ग्रत में धकेल रहे हैं। इसका नेक्सस तोड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ग्वालियर से हमें सांगी सर के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसमें क्राइम ब्रांच एवं सब थानों की टीमें लगातार काम कर रही है। इस संदर्भ में SP ग्वालियर से हमें सांगी सर को सूचना मिली थी कि इंदरगंज थाना क्षेत्र में एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्डेड है, उसको वॉच करें, वो कहीं ना कहीं स्मैक की डीलिंग या सप्लाई कर सकता है। तो इस पर क्राइम ब्रांच और इंदरगंज की टीम लगी रही, 2-3 दिन इस पर काम किया गया। तभी आज इंदरगंज की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट मिला था स्ट्रॉन्ग कि ये बिल्कुल कहीं से माल लेकर आया और सप्लाई करेगा। तो इस आधार पर बताए हुए स्थान पर जो कि मोटा महादेव था, वहाँ पर जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति पहले से ही आइडेंटिफाइड था, उसमें ऑलरेडी से रैकी चल रही थी, जब उसको पकड़ा गया उस तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से स्मैक मिल गई। और जो स्मैक अभी कार्रवाई थाना इंदरगंज में चल रही है, उसमें जो उसका मेजर जो वेट है वो 370 ग्राम पाया गया है, जो लगभग 37 से 40 लाख रुपए की कीमत की स्मैक है। और ये जो अभी बताया है इसने भी प्रथम रूप से भी इटावा से लेकर आना बताया गया है और इसके अभी लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध है इसके खिलाफ़, और अभी थानों से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। और इसमें पूरी चैन पर जो लोग जहाँ सप्लाई करता है, निश्चित रूप से छोटे छोटे स्तर पर और कैरियर्स को सप्लाई करता होगा, फिर वो आगे चल के उसको पुड़िया बना बना के ग्राहकों को देते होंगे। तो ये सब इस बारे में अभी चूँकि कार्रवाई चल रही है, रात में पूछताछ किया कर और इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।